जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति फिर हम यहाँ पर यह चर्चा लाइव चर्चा लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और लाइव आज की चर्चा का जो विषय है किसी महानुभाव का प्रश्न है अभी जो आगे चर्चा इस चैनल पर चलेगी वो आपके प्रश्नों पर चलेगी जैसे आपके प्रश्न होंगे अगर प्रश्न सही लगेंगे तो उनको रखा जाएगा और उन पर चर्चा की जाएगी लेकिन अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन इस नंबर पर आप प्रश्न पूछेंगे आपके प्रश्न आध्यात्मिक होने चाहिए जीवन संबंधी होने चाहिए लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं अगर वो भी आप रखते हो जीवन से संबंधित कई समस्याएं जो होती हैं वो भी अगर आप रखते हो तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे करते आए हैं पीछे भी, भी कुछ दिन किया आगे भी करेंगे तो आज का विषय है आज का टॉपिक क्या है आज का विषय है प्रकृति को कैसे महसूस करें प्रकृति को कैसे महसूस करें प्रकृति कैसे महसूस की जा सकती है प्रकृति कैसे महसूस की जा सकती है प्रकृति है क्या वैसे तो प्रकृति को कैसे महसूस करें आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वह सब प्रकृति ही तो है आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वह सब क्या है प्रकृति ही तो है गो गोचर जहां लगमन जाई सो सब माया जान हूं भाई रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं गो गोचर जहां लगमन जाई जहां जहां तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं वहां वहां सब कुछ तो माया है हर चीज तो माया ही के अंतर्गत आएगी तो इसीलिए जहां जहां तुम्हारी इंद्रियां जाती हैं जहां जहां जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वास्तव में प्रकृति को ही अनुभव कर रहे हैं वैसे प्रकृति का अर्थ है क्रिया और प्रतिक्रिया कृति प्रकृति कृति का परिणाम ही प्रकृति है तो क्रिया और प्रतिक्रिया या प्रकृति तो यह जो प्रकृति है हम हमेशा ही इसका अनुभव करते हैं जब भी हमें कोई कर्म का फल मिलता है तो प्रकृति ही लाकर देती है कोई दुख आता है प्रकृति ही देती है कोई सुख आता है प्रकृति ही देती है यह सारा खेल तो प्रकृति का ही है सारा खेल तो प्रकृति का ही है तो प्रकृति को महसूस करना आप हर समय महसूस कर रहे हैं प्रकृति को लेकिन आपका ध्यान वहां पर नहीं है वास्तव में आपका संपूर्ण अस्तित्व ही प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति में है आपका संपूर्ण अस्तित्व ही प्रकृति पर निर्भर है और आप स्वयं आपकी स्थिति जो है वो प्रकृति के अंदर है प्रकृति के बाहर आप है ही नहीं और ना हो सकते हैं प्रकृति के बाहर आपका अस्तित्व होना भी असंभव ही है प्रकृति के बाहर आपका अस्तित्व होना भी असंभव ही है वो हो भी नहीं सकता है पॉसिबल नहीं है तो नेचर तो प्रकृति तत्व क्या है इसी को तो जानना है जब आपके अंदर क्रोध आ जाए तो समझिए कि तमोगुण रजोगुण बहुत बढ़ रहा है जब आपके अंदर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो तो समझिए कि सतोगुण का अनुभव हो रहा है तो कि प्रकृति का स्वरूप कैसा है त्रिगुणी स्वरूप है प्रकृति का स्वरूप कैसा है तो प्रकृति का स्वरूप त्रिगुणी है तीन गुणों वाला स्वरूप है प्रकृति का तो तीन गुण कभी तमोगुण कभी सतोगुण कभी रजोगुण हम पर हावी होते रहते हैं और जब जब हावी होते रहते हैं तो महसूस कीजिए प्रकृति को हमेशा ही रहते हैं तो सांसारिक रूप से आप प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं सारा सब कुछ उसी का है सारा खेल उसी का है आप उसी के वशभूत है सत्य तो यह है कि आपका अस्तित्व ही उसके वशीभूत है आपका कोई नाम है आपका कोई शरीर है आपका कोई परिवार है माता पिता हैं आपके जिन्होंने आपको जन्म दिया है सब कुछ प्रकृति के वशीभूत है सब कुछ प्रकृति के वशीभूत लगा हुआ है ये समझना पड़ेगा तो प्रकृति का अनुभव क्या करेंगे फिर अब आप कौन सा विशेष अनुभव करना चाहते हैं प्रकृति को और क्या विशेष तरीके से महसूस करना चाहते हैं प्रकृति को सब कुछ तो उसी के हाथ में है आपका जीव होना आपका जन्म लेना और आपका मृत्यु होना सब कुछ तो उसके वश में है तो फिर अलग से क्या महसूस कर लेंगे समझिए प्रकृति को कि ऐसे ही जाना जाता है लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि अलग से महसूस करना है मुझको तो फिर ध्यान योग करिए ध्यान योग के माध्यम से आपको प्रकृति समझ में आएगी कि प्रकृति क्या है क्रिया प्रतिक्रिया और भावनाओं का खेल कैसे चलता है विचारों का खेल किस प्रकार से आगे बढ़ता है आपको फिर समझ में आना शुरू हो जाएगा जब आप ध्यान योग करोगे तो जब आपका ध्यान योग होगा तो अपने आप आप शून्य की अवस्था में जाएंगे आप विचारों के परे जाएंगे और जब आप विचारों के परे चले जाएंगे तो आप समझिए कि एक तरह से प्रकृति की सीमा लांग कर आगे बढ़ जाएंगे और जब ध्यान करते हुए कई लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो विचारों का तूफान आ रहा है ऐसा महसूस हो रहा है तो जब विचारों का तूफान आ रहा है तो समझिए कि यह प्रकृति है लेकिन ध्यान करते हुए एक ऐसी अवस्था बनती है जहां विचार शून्यता होती है वो अवस्था प्रकृति के परे है ठीक है वो अवस्था प्रकृति के परे है जहां शून्यता आ गई जहां समाधि हो गई कैवल्य हो गया तो ध्यान करते हुए जब हम ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है प्रकृति का फोर्स कैसा काम कर रहा है किस ढंग से कार्य कर रहा है ध्यान योग में प्रकृति हमारी सहायता कर रही है या फिर सहायता कर रही है या फिर हमें रोक रही है बाधा उत्पन्न कर रही है तो प्रकृति सहायता भी करती है और बाधा भी उत्पन्न करती है प्रकृति सहायता भी करती है और बाधा भी उत्पन्न कर देती है तो हमें ये बातें तभी समझ में आएंगी जब हम जब हम क्या करेंगे ध्यान योग का अभ्यास करेंगे जब ध्यान योग का अभ्यास करेंगे तो हमें ये बातें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है कि प्रकृति का कार्य कैसे चल रहा है प्रकृति किस तरह से कार्य कर रही है ठीक तो प्रकृति को महसूस करना किस लेवल पे आप महसूस करना चाहते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म स्तर पर ये तो स्थूल जगत में जो कुछ भी है सब प्रकृति ही है लेकिन अगर सूक्ष्मता से अनुभव करना चाहते हैं तो ध्यान योग का अनुभव कीजिए फिर ध्यान योग का कोर्स 20 मई से शुरू हो गया है लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी अगले दो दिन तक आप ज्वाइन कर सकते हैं भले ही यह बीस मई से शुरू हो गया है लेकिन अभी ज्वाइनिंग का समय हम आपको दे रहे हैं अभी आगे दो दिन तक आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक तो ध्यान योग आपको अनुभव कराएगा प्रकृति की सूक्ष्मता का ध्यान योग आपको अनुभव कराएगा प्रकृति की सूक्ष्मता का कि प्रकृति कितनी सूक्ष्म है कितनी ताकतवर है माया किसे कहते हैं ये वही जानते हैं जो माया से माया के चंगुल से माया के कैद से बचने का प्रयास करते हैं तो माया उनपे ताकत लगाती है जब आप ध्यान योग करते हैं और ध्यान योग वो मार्ग है जो आपको माया के परे ले जा सकता है तो जैसे ही आप उसमें सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे माया आपके साथ काम करेगी फिर माया आप पर अपनी ताकत लगाएगी फिर प्रकृति का प्रकृति की ताकत लगेगी क्योंकि आप निकलना चाहते हैं आप बचना चाहते हैं प्रकृति से इसलिए प्रकृति आप पर ताकत जरूर लगाएगी अपनी शक्ति जरूर लगाएगी फिर आपको समझ में आएगा कि प्रकृति क्या चीज है कर्मों का सिद्धांत कैसे कार्य करता है कर्म किस प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं और हमें बंधन दे देते हैं बांध देते हैं कर्म बंधन बन जाता है हम कर्म बंधन के वशीभूत हो जाते हैं फिर तो कर्म बंधन के वशीभूत हम ना हो, जब तक जीवन है तब तक तो है लेकिन इससे निकलने का मार्ग धीरे धीरे ध्यान योग का मार्ग है हम उससे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, हम उससे बचना शुरू कर देते हैं, लेकिन कैसे अभ्यास करते हुए प्रैक्टिस करते हुए तो ध्यान योग का जब अभ्यास होगा तो फिर प्रकृति के बहुत सारे रहस्य समझ में आएंगे स्वामी तो विवेकानंद जी कहते हैं कि ध्यान योग से प्रकृति अपने रहस्यों को प्रकट करती है जो योगी है जो ध्यान योगी है उसके सामने प्रकृति अपने रहस्यों को प्रकट करती है प्रकृति कई प्रकार के रहस्य प्रकट करती है कई प्रकार के रहस्य दिखाती है ध्यान योग के माध्यम से इसलिए प्रकृति को हम अगर महसूस करना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो ध्यान की अवस्था में उतरने का अभ्यास कीजिए और इसी का अभ्यास और टेक्निक्स बहुत सारे टेक्निक्स बहुत सारी बातें एक मार्ग मिल जाता है जब आप ध्यान योग का कोर्स कर लेते हैं एक मार्ग मिल जाता है आपको आपको एक रास्ता मिल जाता है और वो भी शास्त्र सम्मत रास्ता ध्यान योग में जो क्रियाएं बताई जाती हैं जो बातें बताई जाती हैं वो शास्त्रों पर आधारित ही बताई जाती हैं ठीक है, है? तो ये सब बातें हमें विचार करना है समझना है कि प्रकृति को समझना चाहते हैं महसूस करना चाहते हैं अच्छी बात है लेकिन अगर सही से महसूस करना चाहते हैं तो ध्यान योग का मार्ग अपनाइए फिर समझ में आएगा प्रकृति क्या करती है और बहुत सारे रहस्यों को प्रकट करती है और ध्यान योग का कोर्स चल रहा है बीस तारीख से आप इसका लाभ उठा सकते हैं नहीं तो बाद में भी इसका लाभ उठा सकते हैं दो दिन अभी और शेष है आप दो दिन में इसको ज्वाइन कर सकते हैं अभी बीस मई से जो शुरू हुआ है कल से बीते हुए कल से शुरू तो हुआ है वो बीस वो आपको आगे दो दिन तक आप इसकी ज्वाइनिंग ले सकते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं आपके कौन कौन से प्रश्न हैं के त्यागी जी नरेंद्र माकुड़े जी बहुत अभिनंदन है राकेश मराठे नवज्योतिनाथ जी अमन कक्कर जी अर्जन भाई चौहान विक्रम सिंह जी राजू पाल जी सविता नायक जी गुरु गोविंद गोविंद प्रसाद नीमा जी रूपलाल विश्वकर्मा अभिनी प्रधान जी सबका बहुत बहुत अभिनंदन है जी फलकधारी शेखर शेखर श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन है योगेंद्र पंडित रतन सिंह आदर्श सिंह उषा श्रीवास्तव रामविलास जी अजीत अपराजित ई भीखू कुशाडिया बिमला शाह जी मीना राठौड़ जी घनश्याम सरोदे व्यास सिंह जी क्या प्रकृति को हम माता रूप में पूछ सकते हैं माता रूप में पूज सकते हैं ये तो मन की भावना है जैसे हमने अन्न को अन्नपूर्णा का रूप दिया अन्न की पूजा के लिए हमने उसे देवी के रूप में पूजा अन्नपूर्णा के नाम से वैसे पूजना है तो पूज सकता है आदमी धरती माता को भी प्रकृति माता के रूप में पूजा जाता है नथु सिंह जी चंदन मिश्रा बलवंत सिंह गोहिल आर्यन कुमार प्रभु जी अष्टांग योग को करने के बाद कुल देव की पूजा करने की जरूरत है या नहीं जी नहीं अगर अष्टांग योग करते हैं आप तो योग का मार्ग जो है अध्यात्म का मार्ग है आत्मज्ञान का मार्ग है कैवल्य प्राप्ति का मार्ग है हाँ देव पूजा अगर आपको देव पूजा करनी है तो आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप ये पूछते हैं कि करने की जरूरत है कि नहीं तो अगर आपका योग बहुत बढ़िया चल रहा है तो कोई विशेष जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मना ही नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि यह जो पूजा है यह तो स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग है लेकिन मोक्ष का मार्ग तो नहीं है ठीक तो यह भी है इसको तो समझना है गोविंद प्रकाश गोरी जी आरपीपी नूतन भट्ट विष्णुचंद्र मौर्य राम गोपाल जागीर गंभीर शाह जी संतोष कुमार जी नरेंद्र माकोड़े जी ब्रह्म की शक्ति को प्रकृति कह सकते हैं ब्रह्म की शक्ति को नहीं ब्रह्म के विवर्त को ब्रह्म की शक्ति नहीं ब्रह्म का विवर्त मतलब मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म ना शक्ति। कि शक्ति क्योंकि जो शक्ति का अनुभव हो रहा है ना वो इंद्रियों से हो रहा है नरेंद्र माकोड़े जी समझिएगा शक्ति जो आप कह रहे हैं शक्ति शक्ति ये शक्ति का अनुभव इंद्रियों इंद्रिय गम में है ये शक्ति जहां तक मन का साम्राज्य है वहीं तक शक्ति काम कर रही है जहां इंद्रियों का साम्राज्य है वहीं शक्ति काम कर रही है और कहीं शक्ति काम नहीं कर रही तो इसीलिए जो आप शक्ति का अनुभव करते हैं वो इंद्रिय जगत में ही शक्ति का अनुभव हो रहा है ऐसा समझना चाहिए तो इसीलिए ब्रह्म की शक्ति को प्रकृति कह सकते हैं ऐसा नहीं है एक विचारधारा क्या है एक विचारधारा यह है कि आप ये मानोगे कि जो ब्रह्म है वो परम शक्तिशाली है लेकिन ब्रह्म कभी शक्ति प्रदर्शन नहीं करता ब्रह्म तत्व है ब्रह्म को तत्व रूप में स्वीकार किया गया है और तत्व के लिए हम शक्ति शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं हाँ अगर कोई शक्ति का निर्माण हो रहा है या कोई शक्ति विकसित हो रही है तो उसमें वो तत्व लगा हुआ है लेकिन वो तत्व रूप में तो शक्ति नहीं है इसलिए ब्रह्म की शक्ति को प्रकृति कहना नहीं ब्रह्म का विवर्त मैनिफेस्टेशन विवर्त का मतलब है मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन होना जब मैनिफेस्ट होगा चीज है ब्रह्म अपने आप को प्रकृति के रूप में प्रकाशित करता है ना कि शक्ति के रूप में हाँ प्रकृति को आप शक्ति कह सकते हैं प्रकृति शक्ति है प्रकृति के अंदर शक्ति है ऊर्जा है ऊर्जा का गमन है ऊर्जा का आदान प्रदान है ऊर्जा का व्यापार है ऊर्जा का व्यापार है कहां पर ऊर्जा का व्यापार है प्रकृति के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि ऊर्जा ही परमात्मा है जी नहीं ऊर्जा भी परमात्मा नहीं ऊर्जा प्रकृति है क्योंकि ऊर्जा का रूपांतरण होता है और जिस वस्तु का रूपांतरण हो एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड cannot be created, cannot be destroyed, but can be transformed. उसका रूपांतरण होता है ब्रह्म का रूपांतरण नहीं होता तो इसलिए ऊर्जा भी ईश्वर नहीं है ब्रह्म नहीं है ठीक ये समझना चाहिए चलिए इसलिए ब्रह्म को प्रकृति को ब्रह्म की शक्ति नहीं कह सकते ब्रह्म का विवर्त कहते हैं यही अद्वैत सिद्धांत आदि गुरु शंकराचार्य ने जो दिया है कि प्रकृति क्या है ब्रह्म का विवर्त है ये माया क्या है ब्रह्म का विवर्त है वह प्रकाश हां माया में शक्ति है वो अलग बात है माया में शक्ति है वो एक अलग बात है ठीक उन सब का कारण ब्रह्म है ऐसा कह सकते हैं उन सब का कारण ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म की शक्ति प्रकृति है ऐसा नहीं कह सकते हैं ठीक चलिए कमलेश हारनर जी किशोर वैद्य सुमन लड्डा नरेंद्र माकुड़े जी विनोद कुमार शर्मा हाउ कैन ज्वाइन द कोर्स डिटेल यू कैन व्हाट्सअप ऑन नंबर एक नंबर हम आपको देते हैं उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि यू वॉन्ट टू ज्वाइन मेडिटेशन कोर्स और ध्यान योग कोर्स अगर आप जानना चाहते हैं तो उस पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी तो अभी मैंने एक मैसेज इनबॉक्स में किया है आपको नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन ये नंबर मैंने आपको दिया है आप इस नंबर पर संपर्क करें और इस नंबर पर संपर्क कर कर आप डिटेल्स ले लीजिए कि कैसे ज्वाइन करना है आप डिटेल्स ले लीजिए कि कैसे ज्वाइन करना है नाइन सिक्स सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन इस नंबर पर संपर्क कर कर आप डिटेल ले लीजिए कि कैसे ज्वाइन करना है नरेंद्र माकोड़े जी विनोद कुमार शर्मा नरसाराम जी पूजा विश्वकर्मा योगेश खैरनर, नरेंद्र मार्के ब्रह्म से प्रकृति उत्पन्न हुई है कुछ ऐसा ही समझिए प्रकाशित हुई है उत्पन्न भी नहीं माना जाता है मैनिफेस्टेशन माना जाता है मैनिफेस्टेशन कैसे जैसे आप पर्दे पे फिल्म देख रहे हैं लाइट तो के थ्रू क्या हो रहा है वो मैनिफेस्ट हो रहा है वो पर्दे के पर प्रकाशित हो रहा है कहने का मतलब यह है कि वास्तव में यह संसार है ही नहीं ब्रह्म ही ब्रह्म है अद्वैत सिद्धांत इसीलिए विवेक चुड़ाम पूरा सुनिए विवेक चुड़ामी में बताया गया कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है तो वो एक लेवल पे बताया गया जब आप उस अवस्था में तुरिया अवस्था में पहुंचेंगे अपने योग बल से तब जाके वो स्पष्ट होगा कि वास्तव में ये क्यों कहा गया ऐसा इसलिए विवेक चुड़ामणि पढ़िए नहीं तो विवेक चुड़ामणि का प्लेलिस्ट है पूरा उसको सुनिए ठीक है तो ब्रह्म से प्रकृति उत्पन्न भी नहीं हुई है क्योंकि आप सारी चीजों की कल्पना कहां से कर रहे हैं आप सारी चीजों की तुलना कहां से कर रहे हैं इस इंद्रिय जगत से कर रहे हैं आप इस इंद्रिय जगत से सारी चीजों की तुलना कर रहे हैं क्योंकि आप संसार में देख रहे हैं कि कोई चीज कैसे उत्पन्न होती है तो आपको लग रहा है कि ब्रह्म से प्रकृति भी वैसे ही उत्पन्न हो गई होगी उत्पन्न नहीं हो रही है फोकस्ड हो रही है सिर्फ जैसे कि सिनेमा का फोकस होता है ना वास्तव में संसार है ही नहीं यह अद्वैत सिद्धांत का मानना है कि संसार को कौन प्रकट कर रहा है इंद्रियां प्रकट कर रही है ये आंखें ये कान ये हमारी सेंसेस ये संसार को प्रकट कर रहे हैं पाश्चात्य दर्शन में के, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए इमान्युअल कांट वेस्टर्न फिलोसॉफी में उन्होंने इस बात को अपने आखिरी में जाकर कहा कि ये वर्ल्ड है ही नहीं एक्चुअली में हमारी जो इंद्रियां प्रकट कर रही हैं बस हम उतना ही जानते हैं कि दुनिया क्या है ये जो इंद्रियां प्रकट कर रही हैं उतना हम दुनिया को जानते ही नहीं है इन रियलिटी वी डू नॉट नो व्हाट इज दिस वर्ल्ड यह वर्ल्ड क्या है हम नहीं जानते हैं हम कैसे जानते हैं इंद्रियों के माध्यम से तो इंद्रियों की अपनी सीमाएं हैं इसीलिए कहा गया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जगत मिथ्या है इसलिए कहा गया क्योंकि आप जो भी जान रहे हैं उसकी डिपेंडेंसी है इंद्रियों के ऊपर सारी चीजें इंद्रियां आपको बता रही हैं कि भाई ये चीज है संसार में और उसके आधार पर संसार को देखते हुए आपने अपने संस अपना बहुत सारा अभ्यास शुरू कर दिया है बहुत तरह की चीजें मनुष्य ने शुरू कर दी हैं इंद्रियों के आधार पर जो उसकी जरूरतें हैं तो ये सेंसरी वर्ल्ड है इंद्रियां ही बता रही हैं कि ये चीज ऐसी है ये चीज ऐसी है आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे पानी में हाथ डालोगे तो गीला हो जाए कौन बता रहा है इंद्रिया बता रही है इंद्रिया बता रही हैं सब कुछ तो संपूर्ण संसार को प्रकट कौन कर रहा है इंद्रियां प्रकट कर रही हैं आपके सामने जो भी संसार प्रकट हो रहा है वो इंद्रियों से परे नहीं हो रहा है इंद्रियां ही प्रकट कर रही हैं जो इंद्रियां दिखा रही हैं वो आप देख रहे हो और उतना ही समझ रहे हो यहां पर मामला अटका हुआ है इसी बात पर ठीक तो इसीलिए अद्वैत सिद्धांत कहां पे आ जाएगा कि भाई संसार तो वास्तव में है ही नहीं ये तो इंद्रियों का जाल है एक इसे आप देख रहे हैं इन इंद्रियों से परे चले जाइए समाधि अवस्था में पहुंचिए सब गायब कोई संसार नहीं फिर इसलिए क्या है फिर ब्रह्म ही ब्रह्म है इसलिए अद्वैत सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म ही ब्रह्म है फिर सब कुछ ब्रह्म है वास्तव में और ये इंद्रियों का जगत तो मिथ्या है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ऐसे कहा गया आंखों से जो हम देख रहे हैं वो आंखों का सत्य आंखों का ही सत्य है कानों से सुन रहे हैं कानों का सत्य कानों का ही सत्य है बस वहीं तक उसका उसकी सत्यता वहीं तक सीमित है कान ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते ये आंखें ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती ध्यान योग के माध्यम से आप उस ब्रह्म तक पहुंचते हैं ठीक है तो ब्रह्म से प्रकृति उत्पन्न हो रही है ऐसी भी कोई बात नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है इंद्रियां उसको परसीव कर रही हैं जैसे पर्दे पे फिल्म चल रही है ना वैसे है संसार फिल्म बंद तो पर्दा पर्दा फिर अपना सादा हो जाएगा कोई रंग उस पर नजर नहीं आएगा फिर तो इस तरह से ये है शंकर प्रसाद जी बहुत अभिनंदन अजीत अपराजित गुरु जी यदि मन विचारों से परे जाने पर शक्ति उसमें प्रभाव नहीं दे पाते हैं कृपया बताएं मन विचारों से परे जाने पर शक्ति उसमें प्रभाव नहीं दे पाते हैं प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है चोर व्यज हताशा निराशा प्रकृति के किस गुण के अंतर्गत आते हैं हताशा निराशा ये सब तमोगुनी हैं हताशा निराशा क्यों है क्योंकि आप कहीं अटके हुए हैं आप भूतकाल में किसी घटना में अटक जाते हैं या कुछ ऐसी घटना घटती है तो हताश और हम निराश होते हैं तो तमोगुण का संकेत है ऐसा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है कई तमोगुण कई तरीके से काम करता है इसीलिए तो हम एक कुछ चीजों को इसीलिए कई बार यहाँ पर मैंने कहा कि तमोगुण जरूरी भी है फिर आवश्यक भी है फिर लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो नुकसान पहुँचाता है सतोगुण भी बहुत बढ़ जाए तो वो भी नुकसान पहुंचा सकता है तो हताशा निराशा ये सब तमोगुनी तमोगुण के अंतर्गत आते हैं ठीक। नरेंद्र माकोड़े जी एके भट्ट जी आदर्श सिंह जी तो फिर इंद्रियां कहां से आ गई इंद्रियां जीव में आ गई उपनिषद पढ़िए, उपनिषद ने पूरी डिटेल्ड व्याख्या है कि इंद्रियां कैसे आ गई और उपनिषद पर प्लेलिस्ट भी है आप कहां से आ गए पहली बात तो यह है आपका अस्तित्व कहां से हो गया ये जानने की कोशिश कीजिए जब ये जानने की कोशिश करेंगे तो उसको भी जान जाएंगे कि इंद्रिया कहां से आ गई के शास्त्र इसकी व्याख्या करता है इंद्रियां कहाँ से आ गई महत तत्व अहत तत्व मन का निर्माण और फिर अहत से तीन प्रकार के अहंकार सात्विक अहंकार राजसी अहंकार और तामसी अहंकार सात्विक अहंकार से ज्ञान इंद्रियों का निर्माण राजसी अहंकार से कर्म इंद्रियों का निर्माण और फिर तामसी अहंकार से पंचभूत और पंचतन का निर्माण हो जाता है ये इवोल्यूशन है ये किसी किसी ने बनाया नहीं है ये इवॉल्व हो रही है विकसित हो रही हैं। इसलिए सांख्य ने विकासवाद माना है सत्यवाद के आधार पर विकासवाद माना है अद्वैत ने सत्कार्यवाद के आधार पर विवर्तवाद माना है ठीक कि नहीं वो विकसित शब्द ना के बोलते नहीं सारी चीजें प्रकाशित हो रही हैं, ना कि विकसित हो रही ठीक ऐत्र उपनिषद पढ़िए तैत्र उपनिषद पढ़िए उसमें मिलेगा पंच कोश की भी वर्णन और इन सभी विषय हिरण्य गर्भ का वर्णन मिलेगा मन है तो वर्ल्ड है मन का लय होने पर वर्ल्ड का भी लय होता है ऐसा समझना सही होगा बिल्कुल सही है मन है तभी तक संसार है ये कहना सही है मन का जब लय होगा तो निश्चय ही संसार का भी लय हो जाएगा फिर संसार भी नहीं रहेगा क्योंकि मन के आधार पर ही तो सब है मन इंद्रियों से जुड़ा हुआ है और मन के आधार पर सब कुछ नरेंद्र माखुड़े जी बबीता धीमान जी वशिष्ठ योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी बार बार राम जी से कहते हैं कि हे राम जी जगत बधिया नहीं शायद इसीलिए हाँ इसीलिए पवन कुमार गुप्ता जी जय श्री राम ठीक है अच्छी बात है आगे और चर्चा होगी वर्तमान में अभी हम इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं कल फिर मिलते हैं 9 पीएम लाइव चर्चा में तो बहुत बहुत आभार आप सभी का कल फिर मिलेंगे 9 पीएम लाइव चर्चा में अलग विषय के साथ ओम तत्सत आप सभी को